वालेकुम मेरे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये आज मैंने आपके लिए तवा मग्स बनाया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनता है, ये देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर लाजमी किया करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी, हाउ टू मेक तवा फ्राई मग्स, कि हम तवे पे मग्स को किस तरह पकाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखने के लिए आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। ये देखिए, मैंने एक मग्स लिया है और एक टमाटर और तीन सब्ज मिर्चें लेके जो मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। एक टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक की हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून काली मिर्च। सब्ज मिर्च तीन मैंने इसके अंदर ऐड की है, इसलिए रेड चिली पाउडर मैं नहीं डालूंगी। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो चलते हैं अब इसको पकाने की तरफ। अब हमने एक तवा लिया है, नीचे से फ्लेम मीडियम टू लो टू मीडियम रखा है। अब इसके ऊपर ये जो हमने पेस्ट बनाया था ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर और सब्ज मिर्ची, ये जो हमारा मग्स था ये भी इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये जो हमने मिर्ची और नमक था ये भी इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे मैं दो टेबलस्पून, यानी ये डेढ़ टेबलस्पून इसमें मैं देसी घी का ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें डाल के हमने नीचे से फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना, करके इसके ऊपर हमने कवर कर देना। फिर मिलते हैं एक मिनट बाद। ये देखिए, एक मिनट हो गया और ये ड्राई भी हो गया पानी। अब आगे हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी इस तरह कटर हो जाए उसके साथ आपने नीचे से आपने लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। ये एक से दो मिनट में आपका ये जो क्या कहते हैं मग्स है ये रेडी हो जाता है, तवा मग्स, और खाने में बहुत ही मजे का होता है। देखिए, हमने इसमें कोई अदरक, कोई लहसुन, कुछ भी नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद जब ये आप खाएंगे इसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, खुशबूदार कुछ जायका बनेगा। एक मिनट आपका वैसे लगा और एक मिनट इसको भूनने और डेढ़ दो मिनट में ये आपका रेडी हो गया। ये देखें, ये हमारा तवा, ये जो तवा मग्स है ये रेडी हो गया। फ्लेम को बंद करते हैं और इसको डिश ऑफ करते हैं। ये देखें, ये हमारा तवा फ्राई मग्स रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। ये विद इन टू मिनट्स रेडी हुआ है और बहुत ही यम्मी और मजे का है। आपने ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाए। इस खूबसूरत दुआ के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।